और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि ज्ञान व्यापी में तहखाने में देर रात पूजा अर्चना संपन्न हुई है, पूजा पाठ संपन्न हुआ है। कोर्ट के कल के आदेश का पालन करते हुए प्रशासन देर रात ही हरकत में आ गया। वाराणसी पुलिस मस्जिद परिसर में मजदूरों को लेकर पहुंची, जिसके बाद नंदी के सामने ही बैरिकेडिंग को हटा दिया गया और फिर व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कराई गई है। इस दौरान पूरे ज्ञान व्यापी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। तो कल ही कोर्ट ने आदेश दिया था और तुरंत बैरिकेडिंग हटाने के लिए कहा था। देर रात पूजा अर्चना संपन्न हुई है। हम लोग दर्शन किए, नंदी महाराज हम लोग दिखे, हम लोग बहुत खुशी की बात है कि हम लोग के मंदिर बनना चाहिए। अच्छा है, बहुत बढ़िया, तुरंत मंदिर बनना चाहिए वहाँ पे। ये मंदिर 1993 से बंद था तो गलत था ना, ये सही काम होना चाहिए ना। मंदिर बन रहा है, देखिए यार, हम लोग का इष्ट देव है, तब बताइए, हर हर महादेव का नारा है, बाबा एक सहारा है। अंदर का माहौल बहुत अच्छा है इस समय। आप जान लीजिए कि अब हिंदू धर्म का ना सर एकदम ऊंचा हो गया। तीन में पता चलेगा। आप लोग उत्साहित हैं? जी बिल्कुल उत्साहित है हम लोग। एक एक पौधन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग का तो लक्ष्य है बाबा को मुक्ति करना, माँ श्रृंगार गौरी, जिसके लिए हम लोग इतना मुकदमा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं हम लोग, वो हमारी ज्ञानवापी मंदिर के अंदर हैं। अब अंदर हम लोग खोजेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं, लेकिन सभी हिंदू पक्ष काफी खुश नजर आ रहा है कि इसे अपनी एक तरफ से जीत मान रहा है। तहखाने में पहले भी पूजा होती रही थी और यही पूरा बैकग्राउंड रहा जिसको लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया कल और देर रात पूजा अर्चना हुई है।